Good morning, students. I hope you all are well. So student, today we are going to start our new topic, that is conditional statement. As I told you in last day, bachcho, conditional statement are those statement which executes not sequentially. Actually, they are dependent on a specific condition. If the particular condition is true, then the only true portion of statement will execute, and if the condition is false, then the false स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. ओके, सो उसका हम फ्लो लेआउट अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट, वेन द प्रोग्राम गेट्स स्टार्ट वंस, देन इट फर्स्ट चेक द स्पेसिफिक कंडीशन. इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, देन इट कैन डू अ स्पेसिफिक जॉब एंड रिटर्न्स फॉर द स्टॉप. एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन इट विल डू एन अनदर जॉब. यानी एक बात तो कन्फर्म है बच्चों, कि या तो this true portion of statement will execute or the false portion of statement will execute. ठीक है बच्चों, तो इसे practically demonstrate करने के लिए कि how we are just working with this, I am just creating a simple code snip here. देखिएगा बच्चों, suppose करो बच्चों, मैं इस तरह से print school one, इस तरह से बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ statement ले लिए हैं. यहाँ पर बच्चों मैंने टोटल फोर स्टेटमेंट लिए हैं, ठीक है, स्कूल वन, स्कूल टू, स्कूल थ्री, स्कूल फोर. एज यू नो बच्चों, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम तीन तरह का एग्जीक्यूट होता है, जो हमने लास्ट डे डिस्कस किया था. फर्स्ट इज सीक्वेंशियली, सेकंड इज कंडीशनल और सेलेक्शन, एंड थर्ड इज इटरेशन. बच्चों ये सबसे पहला वाला तरीका है प्रोग्राम को स्टेटमेंट को लिखने का, सीक्वेंशियल. इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन सेकंड एग्जीक्यूट होगा, देन आपका थर्ड एग्जीक्यूट होगा, देन आपका फोर्थ एग्जीक्यूट होगा. ठीक है बच्चों, इसको चलाने के लिए मैं इसे कंट्रोल एस कर लेता हूँ. आपको पता है बच्चों, स्क्रिप्ट मोड के प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको उससे पहले सेव करना पड़ता है, ठीक है, बिना सेव करे ये प्रोग्राम आपके नहीं चलते. तो आपने इसको डेस्कटॉप पे p1.py से सेव कर लिया है, ठीक है, p1.py से मैंने इसे सेव कर लिया है डेस्कटॉप पे. अब आप प्रोग्राम कोड को रन पे जाकर और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए बच्चों, ये इसका आउटपुट आ रहा है. ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट रन हुआ, देन सेकेंड, देन थर्ड और देन फोर्थ. यानी लाइन बाई लाइन आपके हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए. कहने का मतलब बच्चों सिंपल है कि सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, सिक्वेंशियल जो प्रोग्राम होता है उसमें कॉन्जिक्यूटिवली वन बाई वन आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. अब हम बात करते हैं बच्चों कंडीशनल स्टेटमेंट की. बच्चों गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाने वाला हूँ. जैसे सपोज करो मैंने एक वेरिएबल ले लिया कंडीशन के लिए, आई इक्वल्स टू 10. अब बच्चों मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि इफ आई की वैल्यू अगर इक्वल्स है किसके, 10 के, तो क्या हो, स्कूल वन प्रिंट हो जाए और स्कूल टू भी प्रिंट हो जाए. और अगर ऐसा नहीं है, मींस एल्स पार्ट, अगर ऐसा नहीं है मतलब कंडीशन अगर ये फॉल्स है, तो क्या हो, आपका स्कूल थ्री और फोर प्रिंट हो जाए. देखिएगा बच्चों गौर से, बहुत ही सिंपल है. अब बच्चों आप ही देखिए गौर से, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर, 10, एम आई राइट, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10, ठीक है. अब आई की वैल्यू यहाँ पे 10 है. अब हमने यहाँ पे क्या करा, कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इनपुट के बाद में यहाँ पे क्या आती है, कंडीशन, क्योंकि प्रोग्राम का फ्लो कंडीशन के ऊपर बेस्ड एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसका ट्रू पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और ट्रू पोर्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट होंगे वो रन होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाले स्टेटमेंट रन होंगे. अब आप ही देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर बच्चों कंडीशन है आई इक्वल, इनिशियलाइजेशन है आई वेरिएबल का, आई के अंदर वैल्यू है 10. अब आप ही बताइए बच्चों कि क्या आई की वैल्यू, दैट इज 10, इक्वल होती है 10 के, क्या आई की वैल्यू 10 के इक्वल है. ऑब्वियसली आई यहाँ पे बच्चों 10 है, तो आपका आई इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी. तो कंडीशन ट्रू होगी तो बच्चों ओनली ये पोर्शन जो कि ट्रू के कोरस्पॉन्डिंग है, कंडीशन के ट्रू के कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इन पाइथन ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है बच्चों ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, और चूंकि कंडीशन फॉल्स नहीं है तो ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आपका सिर्फ स्कूल वन और स्कूल टू ही आपके आउटपुट में बच्चों यहाँ पे
डिस्प्ले होने वाला है। तो चलिए बच्चों गौर से दिखाते हैं इसको, कंट्रोल एस F5। ये देखिए बच्चों ओनली वन स्कूल वन और स्कूल टू ही आपका आउटपुट में आया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू के कोरस्पॉन्डिंग वाला जो ब्लॉक है दैट ओनली विल डिस्प्ले हियर। ठीक है, लेट मैं यहाँ पर बच्चों कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 11 कर दी। अब आपको तो पता ही है आई की वैल्यू इनिशियली क्या है बच्चों, 11। क्या 11 आई की वैल्यू 11 10 के इक्वल होती है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होती, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो बच्चों ये जो ट्रू पोर्शन है दिस पोर्शन विल नॉट एग्जीक्यूट, द एल्स पार्ट ऑफ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट हियर। ओके, तो एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाला पार्ट कब चलता है बच्चों? जब कंडीशन फॉल्स होती है, और जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पोर्शन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या प्रिंट हो गया? ऑब्वियसली 3 और 4 आपका प्रिंट हो जाएगा, आपका ये प्रिंट नहीं होगा 1 2। ठीक है, देखिएगा F5, ये देखिए बच्चों 3 और 4 एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप बोलोगे सर हमने तो print 1, print 2, print 3, print 4 चार बार प्रिंट लिखा है, ओनली सेलेक्टेड ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन में से ही एट ए टाइम को ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपके बच्चों स्टेटमेंट जो है वो कंडीशनल हो गए, यानी ये जो स्टेटमेंट है दे आर डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दे विल एग्जीक्यूट। इफ द कंडीशन इज ट्रू द टू पोर्शन विल एग्जीक्यूट, इफ कंडीशन इज फॉल्स दैट फॉल्स पोर्शन इज एग्जीक्यूट। ओके बच्चों, दिस इज द वेरी सिंपल कोड, डू ट्राई एट योर होम। थैंक यू।